एक भामाशाह राजपूत था और एक भामाशाह वैश्य समाज के थे और झालामन्ना राजपूत थे, चार सेनापति थे। तो ट्राइबल बेल्ट में तो हमारे राजस्थान का देश का सम्मान बढ़ाया, ट्राइबल हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए धर्म की खातिर लड़ा, यही कारण है कि मानगढ़ धाम में भी बड़ा बलिदान हुआ। तो ट्राइबल को लेकर जो हमारी राजस्थान की सरकार की योजनाएं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आप जाइए अब ट्राइबल बेल्ट में जो डेवलपमेंट हुआ इन 4.5 वर्षों में, हर गांव में स्कूल खुल गए, कॉलेजें खोल दी, बच्चों को दो दो यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए, रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए। तो ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत मजबूत है और राजस्थान में इस बार मेवाड़ की धरती पर ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत कराएगी। प्रताप जी, एक आपके मंत्री थे, महिलाओं के मुद्दे पे उनको बर्खास्त किया गया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही, अब अपनी ही बेटे की पार्टी में बार बालाओं को डांस करवा रहे हैं, लाल डायरी वाले नेताजी। देखो ये डायरी वायरी तो सब बिल में घुस गई, बीजेपी की डायरी खुल गई आज का। आजकल क्या है कि बीजेपी की डायरी की चर्चा है, लोग कह रहे हैं बीजेपी आला फुस हो गया। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी कभी लाल पीली काली डायरी की बात करती है? बीजेपी अपने पापों का हिसाब देने की डायरी की बात नहीं करती? लोग आजकल बीजेपी की डायरी खोल रहे हैं कि ये बीजेपी के 25 एमपी कौन से बिल में घुस गए, 5 साल तक नजर नहीं आए, लोग सकल नहीं पहचानते पार्लियामेंट में। और वो आदर्श गांव कहां गए बीजेपी के, जो आदर्श गांव थे वो कहां गए? अरे हमारा कांग्रेस की गहलोत सरकार का काम तो बोल रहा है, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो परवाह नहीं करते, नेशनल लेवल की जब बात बोलते हैं, करप्शन की बात बोलते हैं तो दबी जबान से नहीं बोलते, खुलकर बोलते हैं। और राजस्थान के लिए भी आज मैं कह रहा हूं, लड़ाई आर पार की है, जोरदार लड़ाई होगी। और ये बीजेपी के लोग ऊंची ऊंची फेंकते घूम रहे, सुन लो बीजेपी के लोगों, पता नहीं चलेगा, ये परिवर्तन यात्रा की हवा निकल गई, पहियों की हवा निकाल दी जनता ने, फेल हो गई, भीड़ नहीं है, कहां आ रही है भीड़, पब्लिक कहां है? नाम परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन बीजेपी में ही हो गया कि भीड़ नहीं है, बीजेपी के नेता नहीं है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने से बीजेपी के नेता डर रहे हैं, आप बताओ कितने नेता पहुंच रहे हैं। इसलिए बीजेपी की हालत राजस्थान में कोई बहुत अच्छी नहीं है, आप देखना क्या होता है। गुड़ा तो शिवसेना में गए, अब आज शिवसेना कोई आ जाओ हटे, कांग्रेस को काम बोल रही है। और सुन ली तो सवाई सिंह जी पार्टी छोड़ के कह रहे हैं कांग्रेस डूबता जा रहे हैं, ज्योति मिर्दा। अब हमारे यहाँ समझ में कोई नहीं आ रही, कांग्रेस का जहाज तो चल रहा है और लोग बैठ रहे हैं, जनता हमारी मीटिंगों में जुड़ रही है, लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और ये जो छोड़कर जा रहे हैं इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, पर्सनल इंटरेस्ट से राजनीति नहीं हुआ करती, राजनीति में उतार चढ़ाव भी आते हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागा जाता। ये जो कांग्रेस छोड़कर गए, ये बता दो कितने दिन एक्टिव थे कांग्रेस में, कि नजर आ रहे थे क्या? आजकल तो ये थे ही नहीं कहीं पर। तो इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा करना, मतलब बीजेपी की हालत ये हो गई कि बीजेपी बड़ा खुश होकर दिखाती हमने इनको ले लिया। अब लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है? नेता दो तरह के होते हैं, नेता का मतलब क्या है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। लेकिन नेता भी दो तरह के हैं, हर पार्टी में मिलेंगे, बीजेपी कांग्रेस सब में। एक नेता वो होते हैं जो खुद को नेता कहते हैं, एक नेता वो कहते हैं जिनको जनता नेता कहते हैं, नेता है यार, दम है, ये पीछे नहीं हटता। तो नेता वो होते हैं जिनकी आवाज दिखाई देती है, ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। प्रताप जी, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर राम मंदिर का इनोग्रेशन में लोग जाएंगे तो जब वहां से लौटेंगे तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है, उद्धव ठाकरे ने कहा। अब देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने कहा वो छोड़िए, राम मंदिर कोई बीजेपी का ऑफिस नहीं है, बीजेपी का कार्यालय नहीं है, राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं बनाया, ये दिमाग से निकाल देना आप। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर के ताले स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए, ये तो आप मानते हो, वहां आरती शुरू हुई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे ब्रह्मांड की धरोहर है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, धर्म के नाम पर राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, आप एक धर्म में राम को बांट, राम भगवान है, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर कोई बीजेपी का ऑफिस है क्या? राम मंदिर में कोई जाएगा, मैं रोज राम की पूजा करता हूँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरुण भवे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंज कंदारुणम कंदर अग्नि अमित छविनम नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव ताड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कुशल चंद दशरथ नंदनम
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभूत सर चाप दर संग्राम जीत खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम हम हद्य कंज निवास करु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राज्य मिलियो सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान सिलु सनेव जानत रावरो भांति गोरी हासी सुनी सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये भगवान राम की आरती है, पूरा देश गाता है। राम को बीजेपी कांग्रेस में सपा बसपा में कम्युनिस्ट में कैसे बांट सकते हो? राम किसी का बुरा नहीं करते, मेरे राम सबका भला करते हैं। ये बीजेपी बार बार भगवान राम को लाती है। अरे भगवान राम तो रोटी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, कहते थे मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हर एक घंटे में चार से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है देश में भूख से, तो बीजेपी जवाब नहीं देगी? बीजेपी ने 200 रुपए सिलेंडर के कम क्यों किए? वोट से डरकर। यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, क्यों किए 200 रुपए कम? आप 650-700 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम करते हो। राजस्थान में 500 का सिलेंडर है, आप डर गए कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की पॉपुलरिटी से। आप नाटक कर रहे हो पेट्रोल डीजल भी बीजेपी सस्ता करेगी, सुन लो आप मेरे से, क्योंकि बीजेपी की हवा ही नहीं बन रही ना राजस्थान में, ना एमपी में, ना छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी डर, और चुनाव पार्लियामेंट के भी आ गए, नाटक कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन नाटक कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भारत कह रहे, भारत और इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। इंडिया को भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, यही तो है। अब हर नोट पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे दो बार नोटबंदी कर दी, काका जी मारोगे क्या देश को? वापस नोट बंद करोगे क्या भारत लिखने के लिए? भारत हर नोट आप चेक करो पब्लिक से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये नाटक मुद्दा मैसेज देने का बीजेपी करती है। बीजेपी को 9 साल की उपलब्धि बतानी चाहिए, नहीं तो राजस्थान में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। हमारा प्रचार अभियान बहुत एग्रेसिव होगा। कार्यकर्ता नेता सब लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो काम, कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर जाएंगे। हमारा काम कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान और शहर कस्बे कच्ची बस्ती सबका भला करने वाला है, तो वो अभियान हमारा लगातार चले। उदयनिधि स्टालिन का बोल करके वो लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, लगातार। आप एक बात समझ नहीं रहे, आप ये जो सनातन धर्म है ये पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करता है। सनातन कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको हम चैलेंज कर सकते हैं कि सनातन धर्म पूरे देश की भलाई की, ब्रह्मांड की भलाई की, सभी जीव जंतुओं की भलाई की, सबके सम्मान की, प्यार की बात करता है। जो लोग, मैं खुल के कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को चुनौती दे रहे, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है। सनातन धर्म तो ब्रह्मांड के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण की बात करता है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले, ये इनके जाल को दारुण दुखाने वाला है। आप कौन होते हैं किसी भी धर्म को गाली देने वाले? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, दुनिया के सब धर्मों का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। तिरंगा सबसे बड़ा धर्म है जो सबको साथ में लेकर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म इस देश की ताकत है, इस दुनिया की धरोहर है, इस ब्रह्मांड की ताकत है। ऐसे में एक किसी नेता के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बाद में शायद जो स्टालिन चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा आप कोई भी धर्म हो, अलग अलग धर्म है इस देश में, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा का कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि धर्मों का सम्मान करना, इंसानियत का सम्मान करना, सबको प्यार और प्रेम के साथ साथ में लेकर चलना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये कांग्रेस की रीति नीति है।